दोस्तों, अगर आपके पास भी जो है वीवो का मोबाइल है और आपके मोबाइल में नेट जल्दी खत्म हो जाता है, डेटा जल्दी खत्म हो जाता है, तो आज के इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना है। इस वीडियो में मैं आपको जो है कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ जिनको अगर आप लोग अपने मोबाइल में कर लेते हो तो आपके मोबाइल में जो नेट है वो जो है 4 से 5 गुना ज़्यादा चलेगा, और आपका 1 GB नेट है वो भी अगर आप लोग उसको पूरे दिन भर चलाओगे तब भी आपका नेट जो है खत्म नहीं होगा। तो इस वीडियो में आपको जो है 4 से 5 सेटिंग बताऊंगा जिनको आपको बस आपके मोबाइल में करनी है, उसके बाद देखना आपका नेट जो है कितना ज़्यादा बच जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले सेटिंग जो है प्ले स्टोर ऐप में आपको करनी है। तो आपको जो है सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है राइट साइड में यहाँ पर आपको लोगो दिखाई देगा, तो आपको इस लोगो पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग्स का, तो आपको जो है सेटिंग पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नेटवर्क प्रेफरेंस का, तो आपको जो है नेटवर्क प्रेफरेंस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑटो अपडेट ऐप्स का, तो आपको जो है ऑटो अपडेट ऐप पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल में ये वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है सेलेक्ट हुआ होगा ओवर एनी नेटवर्क का या फिर ओवर वाईफाई ओनली का, तो आपको जो है सिंपली से डोंट ऑटो अपडेट ऐप पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको डन कर देना है। अब दोस्तों आपको जो है सबसे पहले सेटिंग ये वाली करनी है आपको आपके मोबाइल में। अब दोस्तों इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल में आप लोग जब भी नेट चलाते हो तो आपके मोबाइल में जो है ऑटोमेटिक से आपके जो है ऐप हैं वो ऑटोमेटिक जो है प्ले स्टोर में अपडेट होने लगते हैं, और इस वजह से आपका जो है नेट खत्म होता रहता है और आपको पता नहीं चलता। तो आपको जो है ये वाली सेटिंग कर लेनी है, तो उसके बाद आपके मोबाइल में जो भी ऐप हैं वो ऑटोमेटिक से अपडेट नहीं होंगे और इससे आपका जो है काफ़ी ज़्यादा नेट बच जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी हमारी पहली सेटिंग। अब आपको जो है दूसरी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। तो आपको जो दूसरी सेटिंग है वो आपको जो है YouTube ऐप में करनी है, क्योंकि आजकल YouTube तो हर कोई चलाता है, वीडियो वगैरह देखता है, तो इससे आपका जो है काफ़ी ज़्यादा नेट खत्म होता है। YouTube आप लोग चलाते हो जब, लेकिन अब नहीं होगा, मैं आपको जो सेटिंग बताऊंगा। तो आपको जो है YouTube को ओपन करना है। YouTube को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है राइट साइड में आपको यहाँ पर लोगो दिखाई देगा, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों नीचे सेटिंग्स का, तो आपको जो है सिंपली से सेटिंग पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको मैं दो सेटिंग बताऊँगा, दो करनी है YouTube ऐप में। तो आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर आपको जो सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाटा सेविंग का, तो आपको डाटा सेविंग पर आपको क्लिक करना है। और ये वाला सेटिंग आपके मोबाइल में ऑन ऑफ हुई होगी, मतलब बंद हुई होगी डाटा सेविंग मोड ये वाली सेटिंग, तो आपको जो इसको ऑन कर लेना है। जैसे आप लोग इसको ऑन कर दोगे तो आप लोग जब भी यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखोगे तो आपका मोबाइल का जो नेट है वो ज़्यादा खर्च नहीं होगा, मतलब ज़्यादा खत्म नहीं होगा, और आपका जो नेट है वो यहाँ पर जो है बच जाएगा। उसके बाद आपको बैक आना है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरी सेटिंग की। तो आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर पहले नंबर पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जनरल का, तो आपको जनरल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है दोस्तों प्ले बैक इन फीड्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। और आपको जो है इसको यहाँ पर ये वाला ऑन हुआ होगा, मतलब यहाँ पर ऑलवेज ऑन हुआ होगा, मतलब ऑलवेज ऑन होगा, तो आपको जो है इसको ऑफ कर लेना है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, आपके मोबाइल में आपने देखा होगा यूट्यूब पर आप लोग जब भी कोई भी वीडियो देखते हो तो वो वीडियो जो है ऑटोमेटिक प्ले होता है, लेकिन अब से जो है वो वीडियो ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगा और इससे आपका जो है काफ़ी ज़्यादा नेट बच जाएगा। तो ये वाली सेटिंग मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी सेटिंग की। तो तीसरी सेटिंग आपको फेसबुक ऐप में करनी है, क्योंकि फेसबुक से भी आपका जो है काफ़ी ज़्यादा नेट जो है ख़त्म होता है। आपको पता होगा कि आप लोग फेसबुक कितना चलाते होंगे, तो आपको जो है फेसबुक को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने फेसबुक को ओपन कर लिया। अब आपको जो है 3 लाइन दिखाई देगी कुछ इस तरह से, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है नीचे आना है। नीचे जैसे आप आओगे तो आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों सेटिंग एंड प्राइवेसी का, तो आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे सेलुलर डाटा यूजेज का, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डाटा सेवर का, तो आपको जो इसको ऑन कर लेना है। जैसे आप लोग इसको ऑन कर लोगे तो आपके मोबाइल में जो आप लोग जब भी फेसबुक चलाओगे कोई वीडियो वगैरह देखोगे तो आपका डाटा यहाँ पर जो है सेव हो जाएगा, मतलब आपका 40% डाटा जो है यहाँ पर बच जाएगा। तो ये वाली सेटिंग आपको ऑन कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑटो प्ले का यहाँ पर ऑप्शन, उसके नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा है नेवर ऑटो प्ले वीडियो, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग फेसबुक पर जब भी कोई वीडियो देखोगे तो वो वीडियो ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगा। बाकी अगर आप लोग ऐसी वीडियो देखते हो फेसबुक पर तो वो वीडियो क्या है ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है, जिसकी वजह से आपके मोबाइल में नेट खत्म होता रहता है। तो ये वाली दोनों सेटिंग आपको यहाँ पर कर लेनी है, पहली डाटा सेवर, दूसरी नेवर ऑटो प्ले वीडियोस। अब दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर जो है 3 सेटिंग बता दी। अब बात करते हैं चौथी सेटिंग की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथी सेटिंग आपको जो है इंस्टाग्राम में करनी है, क्योंकि आजकल जो है इंस्टाग्राम तो जो है हर कोई चलाता है, रील्स वगैरह देखते रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नेट आपका वहाँ पर जो खर्च हो जाता है। तो आपको जो है इंस्टाग्राम को ओपन करना है, मैं आपको जो सेटिंग बताऊँ वो ऑन कर लेनी है। उसके बाद आपके मोबाइल में देखना कितना कम नेट यहाँ पर जो खर्च होगा। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो है नीचे आपका लोगो दिखाई देगा, इस पर आपको यहाँ पर दोस्तों क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो है मैं क्लिक करता हूँ,
अब जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है राइट साइड में यहाँ पर आपको थ्री लाइन दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आप लोग जैसे जाओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे अकाउंट का, तो अकाउंट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, तो आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेलुलर डाटा यूज़ का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर जो है डाटा सेवर ये वाली सेटिंग आपको यहाँ पर ऑन कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आप लोग जब भी इंस्टाग्राम को चलाओगे तो आपका जो डेटा है जो नेट है वो यहाँ पर जो है कम खर्चों का। तो मैंने यहाँ पर आपको जो है 4 से 5 सेटिंग बता दी। अब दोस्तों आप लोग इन सेटिंग्स को अगर आप लोग अपने मोबाइल में कर लोगे, उसके बाद आप लोग अपने मोबाइल को चलाओगे, तो आपका मोबाइल का जो डेटा है वो जो है 4 से 5 गुना ज़्यादा चलेगा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो ये वाली सेटिंग आपको आपके मोबाइल में कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आप लोग देखना आपका नेट जो है कितना कम यहाँ पर जो है खर्च होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,